नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसी जगह आ रहे हैं जहां पर 4-6 महीना पहले सड़क बना था, वो सड़क बारिश के पानी में पूरा गड्ढा हो गया था, जिससे आने जाने वाले गाड़ी चार पहिया वाहन को बड़ी तकलीफ़ होती थी। आपको दिख रहा होगा ये सड़क मयाना जाती है और इधर पूरी से मयाना जाने का मार्ग है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों के साथ आकर इस गड्ढे को हम मुरुम से फिलिंग करने जा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ये वो गड्ढा है जो साल भर पहले सड़क निर्माण हुआ था, बारिश की वजह से पूरा धस गया है और ये पूरी से मयाना जाने का सड़क है, एकमात्र सड़क, और इसमें सैकड़ों गाड़ियां रोज़ आती जाती है। लेकिन ये किनारे पर इतना गड्ढा था कि कभी भी कोई भी मोटरसाइकिल या चारपहिया वाहन धंसकर अनहोनी दुर्घटना हो सकता था, जिसे हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे ने एक प्लान किया कि इस गड्ढे को भर दें ताकि कोई भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। और ये हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, चार बच्चे आए हैं और ये सभी मिलकर इस गड्ढे को भर रहे हैं मुरुम से, गिट्टी से, जैसा भी है, ताकि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। ऐसी सोच लेकर हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे आए हैं और इस गड्ढे को भर रहे हैं। ये बच्चे शासकीय उत्तर मध्य विद्यालय पूरी के कक्षा 12वीं के छात्र हैं, जो ऐसी छोटे मोटे कामों को हमेशा करते हैं, जन कल्याणकारी वाले कार्य को। और आज हमारी इस वीडियो में सड़क किनारे जो गड्ढा है उसे हम पाट रहे हैं ताकि किसी भी को नुकसान ना हो। देखिए किस तरह से ये गड्ढा है, ये मुंह से लिंक किया जा रहा है, खतरनाक गड्ढा जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता था, जिसे आज हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे इसमें मिट्टी डाल रहे हैं ताकि किसी को कोई दुर्घटना ना हो। बहुत बड़ा गड्ढा था ये, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, चार पहिया वाहन पलट सकता था इसमें। आज इसे हम भर के बराबर किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से आज ये जो गड्ढा था उसको हमारे स्कूल के बच्चे ने भर दिया। ये चारों छात्रों के लिए एक लाइक तो बनता है, जिन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना जन्य घटना को आज मेहनत करके मिट्टी पाड़ दिए। अब कोई भी गाड़ी इसमें आ जा सकता है और किसी को दुर्घटना नहीं हो सकता। तो इस तरह से छोटे से वीडियो में हमने एक अच्छा कार्य किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।